तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको दोस्तों बताते हैं, नई शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों छात्रों का धरना लगातार दोस्तों पीएनपी प्रयागराज में जारी है। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती 2021 के लिए दोस्तों बच्चों का धरना लगातार जारी है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों देखिए, नई शिक्षक भर्ती में दोस्तों डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता की मांग भी लगातार की जा रही है, लेकिन दोस्तों इस मुद्दे को या इस मांग को ज्यादा ऊंचे स्तर पर उठाया नहीं जा रहा है। तो छात्रों का आरोप है कि भैया इस बात को दबाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रथम वरीयता क्या है दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं इस रिजल्ट से। जब 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का दोस्तों पेपर हुआ, जब उसका परीक्षा फल घोषित किया गया, तो आप यहाँ पर जरा देखिए टोटल दोस्तों जो हमारे पद थे, फिर से पहले आपको बता दें 69,000 पद थे, ठीक है, इतनी वैकेंसी थी, इतने पोस्ट थे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों डीएलएड छात्रों की भैया जो संख्या थी पास होने वाली 38,610 थी। तो अगर दोस्तों डीएलएड छात्रों को अगर प्रथम वरीयता दी गई होती, तो सबसे पहले दोस्तों डीएलएड छात्रों के भैया 38,610 बच्चों को नौकरी दी जाती, उसके बाद शिक्षा मित्र बीएड या अदर्स को नौकरी दी जाती। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि बीएड करने वाले छात्रों की संख्या या बीएड पास होने वाले छात्रों की संख्या 269,000 में क्या थी, 97,000 से ज्यादा थी। इसी कारण से दोस्तों बहुत से डीएलएड के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई। तो आपको बता दें, जो ये शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना होता है, उसमें अधिकांश जो संख्या बल होती है, या दोस्तों जो बड़े बड़े आप नेता लोगों के नाम सुनते होंगे, वो दोस्तों आते डीएलएड से ही है। सोचिए दोस्तों, जब डीएलएड के ही सारे नेता, तो डीएलएड में प्रथम वरीयता की मांग की बात क्यों दब रही है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि जाने प्रथम वरीयता से क्या होगा फायदा। याद रखिए दोस्तों, अगर कभी भी वैकेंसी निकल कर आएगी, जैसे कि अनुमानित है कि 51,112 पद, ठीक है, या दोस्तों हो सकता है कि 97,000 पदों पर वैकेंसी आ जाए, तो देखिए सिंपल सी बात है, अब डीएलएड 2017 बैच सम्मिलित होगा पेपर में, 18 बैच होगा, 19 का बैच आएगा। उससे पहले भी दोस्तों डीएलएड के जो बैच है हमारे 15 बैच 14 बैच, उन बच्चों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात को समझना है, पहले दोस्तों डीएलएड छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन 17, 18, 19 बैच के अगर छात्रों की संख्या मिला ले, तो तकरीबन दोस्तों ये संख्या 5 लाख के करीब पहुंचेगी, ठीक है, 5 लाख के आसपास, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल 5 लाख ही हो जाएगी, लेकिन उसके करीब करीब हम पहुंच जाएंगे। सोचिए दोस्तों, जब इतना बड़ा संख्या बल अब डीएलएड में अकेले, तो भाई प्रथम वरीयता की मांग करना स्वाभाविक है। एक बात और आपको बता दें, अगर बीएड के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को मौका मिलता है टीजीटी वैकेंसी में। देखिए बीएड छात्रों का कहीं से नुकसान नहीं हो रहा है कि भैया उनका नुकसान करके डीएलएड का फायदा करना, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको प्रथम वरीयता नहीं मिला, तो फिर वही आपको अफसोस होगा कि काश हम बीएड कर लेते, टीजीटी में भी मौका मिलता, प्राथमिक भर्ती में भी मौका मिलता, लेकिन आपने डीएलएड किया। गाइस, जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो हुजूम निकला है, जो भीड़ निकली है, ये दोस्तों पैसा देकर भीड़ इकट्ठा करने वाली नहीं, कि जो चुनाव की रैली होती है भैया पैसा दे देकर भीड़ को इकट्ठा की जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों बता दें, नए शिक्षक भर्ती को लेकर आर या पार का मामला चल रहा है, बच्चे अब लग गए हैं, या तो दोस्तों नौकरी आएगी या तो सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा। नौकरी या वोट पर दोस्तों पूरा मामला चल रहा है। फेल छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बैक बैक लगी है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा कि पीएनपी जल्द से जल्द बैक पेपर कराए, नहीं तो गाइस आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। याद रखिए, नई भर्ती के लिए दोस्तों जो धरना प्रदर्शन ये चल रहा है, बच्चों की संख्या देख सकते हैं, हजारों की संख्या में दोस्तों बच्चे इस बार धरने में सम्मिलित हुए हैं। तो गाइस, कुछ बड़ा रिजल्ट जल्द ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई सरकार इतना बड़ा वोट बैंक अपने हाथ से जाने नहीं देगी, और सरकार भी प्रयास करेगी कि कम से कम इन बच्चों का वोट हमारे पक्ष में आए। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि अगर कोई सरकार वैकेंसी निकालती है, फिर उसके बाद दूसरी सरकार बदल जाती है, तो वैकेंसी में अधिकांश ये देखने को मिलता है कि स्टे लग जाता है। इसीलिए दोस्तों सरकार ऐसे टाइम पर ही वैकेंसी निकालती है, ताकि जितना बड़ा वोट बैंक हो, सारा भैया सरकार को ऑटोमेटिक मिल जाए। तो गाइस, इस वीडियो में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट, कमेंट बॉक्स में दोस्तों सारा लिंक दिया गया। एक बात और आपको बता दें, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट, एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दोस्तों आज आने वाला है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तब तक रिजल्ट आ चुका हो, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से दोस्तों शिक्षक भर्ती का रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। याद रखिए, उस रिजल्ट में सबसे खास बात पता है क्या है, उस रिजल्ट के दोस्तों सबसे खास बात यह है कि वहां से आपको ये पता चलेगा कि आखिर मेरिट क्या जा रही है, नौकरी पाने के लिए कितनी मेरिट की आपको जरूरत पड़ेगी। पेपर दोस्तों लीक मामला भी सामने आया था, याद रखिए पेपर लीक मामला, ठीक है, प्रिंसिपल थे जिन्होंने अपने बेटी के लिए पेपर लीक किया था, याद है उस मामले को। तो गाइस, यही वही भर्ती है। तो देखिए, आप लोग जब परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे, यार पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, या हो गया तो क्या क्या होगा, ये दोस्तों पूरा मामला है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं की, याद रखिए टेट की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी। कौन सा टेट? यूपी टेट। यूपी टेट का पेपर हमारा 28 नवंबर को कराया जाएगा,
अब परीक्षा के लिए दोस्तों ज्यादा दिन बचे नहीं, एक बात और आपको ध्यान रखना है, रोज दोस्तों दिन अब कम होते जा रहे हैं, अगर आप परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं करेंगे बढ़िया तरीके से फिर आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो गाइस लग जाइए तैयारी में, जो भी दोस्तों अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, समय कम है इसलिए तैयारी बेहतर होनी चाहिए, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्त ये पूरा हुजूम आप देख सकते हैं, नई शिक्षक भर्ती की मांग है दोस्त, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या वाले आपको यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद दोस्तों देखिए प्रथम वरीयता अगर डीएलएड छात्रों को मिल गया तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा, याद रखिए अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो ये दोस्तों आपकी ही मांग है, सभी बच्चों को फायदा होगा जो बच्चे डीएलएड करेंगे। तो गाइस प्रयास करिए कि प्रथम वरीयता की मांग को मान लिया जाए, जिससे दोस्तों आपका एक अच्छा खासा फायदा होगा। ठीक है, अगर इस मांग को नहीं सुना जाएगा तो नुकसान आपका ही है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल संघर्ष आपको करना चाहिए, जब दोस्तों डीएलएड के छात्र इतने ज्यादा लगे, चाहे ट्विटर का माध्यम हो चाहे सोशल मीडिया, दोस्तों हर स्तर पर डीएलएड के छात्र प्रयास कर रहे हैं कि भैया नई भर्ती जल्द से जल्द आए। और आपको पता है कि जितनी बार भी शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना होता है उसमें अधिकांश बच्चे डीएलएड से ही होते हैं, जब डीएलएड या बीटीसी के छात्र इतने ज्यादा संख्या में हर जगह मौजूद हैं तो भैया इस मांग को भी उठाना जरूरी है ताकि दोस्तों आपको भी फायदा मिले। ठीक है, किसी को बाहर करने की आप बात नहीं हो रही, बस बात यहाँ पर यह है कि डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता मिले। ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करिए। बाकी दोस्तों फेल छात्रों का सवाल था कि कब तक चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर कराया जाएगा और कुछ बच्चों की बैक लगी है प्रथम द्वितीय और तृतीय में, उन बच्चों का भी सवाल था कि भाई स्कूटनी के लिए देखिए आपको पता है कि आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और काफी ज्यादा लंबे समय तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी दोस्तों जल्द से जल्द अब जारी किया जा सकता है, इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों रिजल्ट आएगा उस अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। कमेंट बॉक्स में यूपी टेट एडमिट कार्ड का भी लिंक दिया गया, जी हाँ दोस्तों जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा सबसे पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, कोई भी दोस्त खबर आपसे छूटेगी नहीं, तैयारी आपकी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और यूपी टेट में दोस्तों एक बात और, ओएमआर भरते समय गलती मत करिएगा, यूपी टेट में दोस्तों यहाँ पर ओएमआर भरते समय काफी बच्चे गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और कोई पेपर होगा उसकी अपडेट हम अलग से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यूपी टेट में ओएमआर भरने में गलती हो गई ना तो रिजल्ट इनवैलिड हो जाता है, काफी बच्चे बाद में परेशान होते हैं तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ओएमआर सीट भरने में गलती ना होने पाए। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट आएगी आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें नए शिक्षक भर्ती की मांग पर जिस हिसाब से धरना चल रहा है उस हिसाब से दोस्तों जीत संभव है। ठीक है, हम लोग जीत के बहुत ही करीब है, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आप भी चाहते हैं कि डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता दी जाए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर नहीं करेंगे दोस्तों बात यहीं पर दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, जब आप शिक्षक भर्ती का पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा कि यार बीएड करने वाले छात्र हमसे कई गुना ज्यादा है, उन बच्चों को तो और वैकेंसी में मौका मिल जाएगा, जैसे दोस्तों टीजीटी एलटी ग्रेट होगी बीईओ हो गई जहां पर आपको मौका नहीं मिलेगा, वो बच्चे यहाँ नौकरी नहीं पाएंगे तो उधर पा जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा अपना भविष्य समझिए, वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।